दोस्तों हिंडा वेन्यू के पेट्रोल और डीजल दोनों के टोटल मिला के उन्नीस वेरियंट मार्केट में बिक रहे हैं सभी को एक वीडियो में डिटेल से बताना संभव नहीं है तो हम आपको आज की इस वीडियो में ह्यूंडा वेन्यू केवल के पेट्रोल वेरियंट के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेन्यू का सही वेरियंट चुन सकते हैं इस वीडियो में हम आपको ह्यूडा वेन्यू के सभी पेट्रोल वेरियंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जिसमें प्राइस साइज इंजन स्पेसिफिकेशंस माइलेज वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी देंगे तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और आपने ओके कार ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको कारों से जुड़ी या वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो टॉप सेलिंग कार कार पे मिल रहे डिस्काउंट की जानकारी की वीडियो मिलती रहे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हिंडा वेन्यू के प्राइजेस के साथ हिंडा वेन्यू के पेट्रोल की प्राइस लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंडा वेन्यू के पेट्रोल में दो वेरियंट आते हैं एक तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो 1.2 लीटर का है और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन के भी यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलता ही है यहां पर आपको ए यानी ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है और डीसी यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक भी मिल जाता है ए होता है जहां पर आपको क्लस नहीं मिलता लेकिन गेयर्स आप मैनुअल की तरह ही डालते हैं तो यहां पर सारे ही वेरियंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी ये एक्सोरूम प्राइस है जो छह लाख पिछहत्तर हजार रुपए से शुरू होकर के ग्यारह लाख पैंसठ हजार रुपए तक जाती है बात करें ह्यूडा वेन्यू के डायमेंशन के बारे में तो ह्यूंडा वेन्यू की लेंथ तीन हजार नौ सौ पंचानवे एम एम है विद सत्रह सौ सत्तर एम एम है हाइट सोलह सौ पांच एम एम है और व्हील बेस पच्चीस सौ एम है ह्यूमडा वेन्यू में बूट स्पेस आपको 350 लीटर का मिल जाता है हिमडा वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 190 नाइनटी mm एम की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और फ्यूल टैंक 45 लीटर का मिलता है टायर साइज जो इसके बेस वेरिएंट में है वो आपको 15 इंचज के मिलते हैं और टॉप एंड वेरियंट्स में सिक्सटीन इंचज के टायर मिलते हैं ह्यूडा वेन्यू का कंपेरिजन इसके राइवल्स के साथ करें तो डायमेंशन में इस सेगमेंट में डब्ल्यू की लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है विध की बात करें तो इस सेगमेंट में एक्स यूवी थ्री डबल ओ की विद अठारह सो mm सबसे ही ज्यादा है हाइट की बात करें तो किया की हाइट सबसे ज्यादा है सेगमेंट में व्हील बेस आपको एक्स यूवी थ्री डबल ओ में सबसे ज्यादा मिल जाता है छब्बीस सौ एमएम और सोनेट में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिलता है जो कि है तीन लीटर ग्राउंड क्लियरेंस में टाटा नेक्सोन बाजी मार जाती है दो सौ mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ फ्यूल टैंक आपको इको स्पोर्ट मिलता है बावन लीटर का टायर साइज की बात करें तो मैग्नाइट डब्ल्यू आर वी ब्रेजा और नेक्सॉन में आपको बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में 16 इंच के टायर्स मिलते हैं वहीं एक्स यूवी थ्री डबल ओ के टॉप वेरिएंट में आपको 17 इंचस के टायर मिलते हैं जो कि सेगमेंट में सबसे बड़े हैं चलिए अब बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में साथ ही इसके राइवल्स के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे पहले बात करते हैं नॉर्मल पेट्रोल इंजन की ह्यंडा वेन्यू में आपको 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर ग्यारह सौ सत्तानवे का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 थ्री की पावर और 114 हंड्रेड का टॉक जनरेट करता है नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जिसकी फ्यूल एफिशियंसी 17.27 पॉइंट है इसके राइवल के साथ इसको कंपेयर करें तो इस सेगमेंट में इको स्पोर्ट डब्ल्यू ब्रेजा अर्बन क्रूजर सोनेट और मैगनाइट आते हैं नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जिसमें इको स्पोर्ट में आपको 1.5 लीटर और ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है वहीं मैग्नाइट में आपको 1 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी मिलता है इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाला इंजन है इको स्पोर्ट का जो 122 हंड्रेड की पावर जनरेट करता है नॉर्मल पेट्रोल इंजन में और पीक पीकटॉक सबसे ज्यादा जनरेट करता है इको स्पोर्ट का ही इंजन जो 149 फोर्टी का पीक एम जनरेट करता है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है नॉर्मल पेट्रोल इंजन में इस सेगमेंट में अर्बन क्रूजर ब्रेजा और इको स्पोर्ट में नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है इस सेगमेंट के बेस्ट माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए निशान मैग्नाइट का माइलेज सबसे ज्यादा है 18.75 पॉइंट के एम पी एल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टोयोटा अर्बन क्रूजर और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का फ्यूल इफिशियंसी सबसे ज्यादा है एटीन पॉइंट सेवन सिक्स के एम पी एल अब बात कर लेते हैं हिमडा वेन्यू के टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में साथ ही इसके राइवल के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे हिमडा वेन्यू में वन लीटर थ्री सिलेंडर नौ सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो वन ट्वेंटी की पावर और वन सेवेंटी का टॉक जनरेट करता है इसमें सिक्स स्पीड मैनुअल के साथ सिक्स स्पीड आई का भी ऑप्शन मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए फ्यूल इफिशियं एटीन पॉइंट टू के एमपीएल है वहीं सेवन स्पीड डीसीडी ट्रांसमिशन के लिए फ्यूल इफिशियंसी क्लेम फ्यूल इफिशियं एटीन पॉइंट के एम पी एल है बात करें हिंडा वेन्यू के राइवल्स की जो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं उनमें इस सेगमेंट में वेन्यू सोनेट और मैगनाइट में वन लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और नेक्सॉन और एक्स में वन पॉइंट टू लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है पांचों ही गाड़ियों में आपको थ्री टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है इस सेगमेंट में मैक्सिमम पावर वेन्यू नेक्सॉन और सोनेट का इंजन करता है 120 ट्वेंटी की वहीं मैक्सिमम टॉक की बात करें तो एक्स यूवी थ्री का इंजन 200 हंड्रेड एन का मैक्सिमम टॉक जनरेट करता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है क्लेम फ्यूल इफिशियंसी की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए निशान मैग्नाइट की क्लेम फ्यूल इफिशियंसी ट्वेंटी के है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में किया सोनेट की फ्यूल इफिशियंसी सबसे ज्यादा है एटीन पॉइंट थ्री पी एल चलिए अब बात कर लेते हैं वेरियंट वाइज फीचर्स के बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन को 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 फिर को और उसके बाद डीसीटी जिससे आपको सही वेरिएंट चुनने में हेल्प हो सके सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट ई की 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन में ई वेरिएंट में कौन कौन से आपको फीचर मिल जाते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस छह लाख पिछहत्तर हजार रुपए से शुरू होती है हिंडा वेन्यू के इस वेरिएंट में आपको सभी बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक डुअल फ्रंट एयरबैग पार्किंग सेंसर सेंट्रल लॉकिंग सीट बेल्ट रिमाइंडर डे नाइट आई और हाई स्पीड अलर्ट के साथ आइसोफिक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट पावर विंडोज टिल्ट एडजस्ट टेयरिंग व्हील फ्रंट पावर आउटलेट मैनुअल एसी, टैकोमीटर फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट इंटीग्रेटेड हेड रेस्ट एडजस्टेबल फ्रंट हेड रेस्ट मिल जाते हैं लुक एंड स्टाइल की फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में आपको बॉडी कलर्ड बैंडल मिलेंगे और ओ आर वी एम्स और ग्रिल आपको ब्लैक ही मिलेगी सिल्वर स्किट प्लेट आपको देखने को मिल जाएंगी 15 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे व्हील कवर्स के साथ हिंडा वेन्यू के इस वेरिएंट में कुछ मिसिंग फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको खलेंगे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग रियर पावर विंडोज Audio with audio controls, ORVMs, seat. ये इसके कुछ के बारे में वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगा जिसकी शोरूम प्राइस सात लाख छियालीस हजार सात सौ रुपए से शुरू होती है साथ ही इसमें आपको टर्बो पेट्रोल के इंजन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे हिंडा वेन्यू आई और डी को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे चलिए बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू एस वेरियंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में जो हिंडा वेन्यू ई के ऊपर मिलते हैं यहाँ से आपको म्यूजिक सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाता है स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ यहाँ पर आपको फोर स्पीकर्स विथ फ्रंट ट्यूटर मिल जाते हैं साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ मिल जाते हैं फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिल जाती है रियर डिफॉगर मिल जाता है रियर पावर आउटलेट मिल जाते हैं ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाते हैं और ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो ऑटो अप डाउन के फीचर्स के साथ मिल जाती है यहाँ पर आपको ए सी वेंट तो मिलते ही हैं और रियर में भी ए सी वेंट्स मिल जाते हैं साथ ही रिमोट सेंट्रल लॉकिंग रूफ रेल्स एंटेना क्रोम फ्रंट ग्रिल बॉडी कलर्ड ओ मिल जाते हैं ये सारे फीचर्स ह्यूडा वेन्यू के एस वेरिएंट की कीमत को कम्प्लीटली जस्टिफाई करते हैं वेरिएंट ई e के ऊपर साथ ही एक कंप्लीट बेस वेरिएंट है यदि आप ह्यूडा वेन्यू का कोई फीचर पैक वेरिएंट लेना चाहते हैं और आपका बजट कम है या आप बजट पर है और आप इसका कोई बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप ह्यूडा वेन्यू के एस वेरियंट को कंसिडर करें और यदि आप थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो इसके बाकी वेरियंट्स के बारे में भी जानकारी अभी आपको हम देते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू के एस प्लस वेरियंट के बारे में इस वेरियंट की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस आठ लाख अड़तीस हजार छह सौ रुपए से शुरू होती है ये एस वेरियंट से लगभग नब्बे हजार रुपए महंगा है तो इसमें मिलने वाले फीचर्स के नब्बे को जस्टिफाई करते हैं नहीं चलिए देख लेते हैं सेफ्टी में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्स हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं साथ ही यहाँ पर 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है साथ ही इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है इसके अलावा फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसमें एस वेरियंट के ऊपर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है ऑटो ए मिल जाता है लुक एंड स्टाइल के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं और फ्रंट में एलईडी ई डी मिल जाती हैं साथ ही इंटीरियर में लेदर एप्ट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है इसके बाकी फीचर्स आप सामने टेबल में देख सकते हैं ह्यूंडा वेन्यू के एस प्लस में मिलने वाले फीचर्स इसकी डिफरेंस वाली वैल्यू को कम्पलीटली जस्टिफाई करते हैं और ये एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है एस वेरिएंट के ऊपर चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के बारे में ह्यूंडा वेन्यू के एस वेरिएंट से टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना शुरू हो जाता है हिंडा वेन्यू के एस एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है एस एक्स और एसएक्स ऑप्शनल में आई एम टी ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है और एस और एस एक्स प्लस में आपको डीसीटी ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाता है यानी कि टर्बो पेट्रोल इंजन में बिल्कुल ही बेस वेरिएंट एस है यहाँ पर ह्यूडा वेन्यू में जिसकी शोरूम प्राइस आठ लाख बावन हजार सात सौ से शुरू होती है हिंडा वेन्यू एस टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलने वाले सभी फीचर 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन हिंडा वेन्यू एस वाले ही है यहाँ पर आपको ज्यादा पावर देखने को मिल जाती है फीचर सारे के सारे सेम है चलिए अब बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू एस में मिलने वाले फीचर्स के बारे में यहाँ पर आपको वन लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिल जाता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस नौ लाख पिचासी हजार सात सौ रुपए से शुरू होती है साथ ही यहाँ पर आपको आईएमटी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ नब्बे रुपए यानी तकरीबन दस लाख रुपए से शुरू होती है टर्बो पेट्रोल इंजन आईएमटी के लिए साथ ही आईएमटी के साथ आपको स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाता है स्पोर्ट्स में कुछ रेड इंसर्ट्स और थोड़ा स्पोर्टी लुकिंग आपको देखने को मिल जाता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस दस लाख सत्ताईस हजार साठ रुपए से शुरू होती है हिंडा वेन्यू का एस एक्स वेरियंट हमारी तरफ से वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है और वो कैसे आइए जान लेते हैं इसके फीचर्स के में आपको सेफ्टी के फीचर्स एड होते हैं जिसमें प्रोजेक्टर हेडल्स प्रोजेक्टर फॉग लैम्स 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एप्पल कार्प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ आता है साथ ही इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ साथ यहां पर आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है इसके अलावा इसमें आपको वॉइस रिकोगनाइजेशन का फीचर्स मिल जाता है और यहाँ पर कुछ फंक्शनल फीचर्स भी ऐड होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक एसी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओ और क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है रियर सीट पर जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं यूएसबी चार्जर मिल जाता है स्टाइल और लुक के फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं सन रूफ का फीचर आपको इस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है एलईडी ई डी मिल जाती हैं टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं ओ पर यहाँ पर आपको लेदर एप्ट स्टेयरिंग व्हील और गियर नॉब भी मिल जाता है इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर इसकी कीमत को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं और ये सभी वेरिएंट से ज़्यादा प्रीमियम भी है तो अगर आपका बजट दस लाख रुपए के आसपास है तो इस वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि एक फीचर पैक वेरिएंट है साथ ही इसमें आपको ज्यादा पावरफुल इंजन भी देखने को मिल रहा है इसके अलावा जो आई वेरिएंट के साथ स्पोर्ट वेरिएंट आपको यहां मिलता है जिसकी एक्शोरूम प्राइस दस लाख सत्ताईस हजार साठ रुपए से शुरू होती है उसमें कुछ चीजें एक्सटीरियर में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जैसे डुअल टोन एक्सटीरियर मिल जाता है रेड ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है मेटल पेडल्स मिल जाते हैं और कुछ जगहों पर आपको इसमें रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक स्पोर्टी फील देते हैं इस गाड़ी को जो इसकी रोड अपीयरेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं हिंडा वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट एस एक्स ऑप्शनल के बारे में इसमें आपको वन लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है जिसकी एक्शोरूम प्राइस दस लाख इक्यानवे हजार सात सौ रुपए से शुरू होती है और इसमें आपको आईएमटी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसकी एक्शोरूम प्राइस ग्यारह लाख पंद्रह हजार दो सौ रुपए से शुरू होती है और आई के साथ स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें अभी हमने आपको बताया जिसमें रेड इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं इसकी एक्शोरूम प्राइस ग्यारह लाख सत्ताईस हजार छह सौ रुपए से शुरू होती है हिंडा वेन्यू एस से एसएक्स ऑप्शनल का जो डिफरेंस है वो एक लाख रुपए के समथिंग है एक लाख छः हजार रुपये तो एक लाख छह हजार रुपये में आपको कुछ सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें सिक्स एयर बैग्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रियर वाइपर और वॉशर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और नेविगेशन का फीचर भी इसमें आपको मिल जाता है इसके अलावा कुछ फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको स्मार्ट की विथ कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन एयर प्योरीफायर वायरलेस चार्जर रियर आर्मरेस्ट आर्म रेस्ट स्प्लिट रियर सीट फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील और सेफ्टी के ज्यादातर फीचर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा इसके सारे ही फीचर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ज्यादा अच्छा होगा चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूंडा वेन्यू के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में ह्यूडा वेन्यू का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी हिंडा वेन्यू का टी ट्रांसमिशन आपको हिंडा वेन्यू एस और हिंडा वेन्यू एसएक्स प्लस में मिलेगा हिंडा वेन्यू एक्स की एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है नौ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपए से और एस एक्स प्लस की एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है ग्यारह लाख सैंतालीस हजार सात सौ रुपए से पहले बात करते हैं ह्यूडा वेन्यू एस के बारे में इस वेरियंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाले सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि हमने अभी आपको पहले बताए थे उसके अलावा इलेक्ट्रिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हिल स्टार्ट असिस्ट और सुपरविजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा तो ये फीचर्स आपको इसके एस वेरिएंट में मिल जाएंगे अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं हिंडा वेन्यू में और आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है तो आप हिंडा वेन्यू का एस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं इसके अलावा जो इसका एस एक्स प्लस वेरियंट है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है उसमें मिलने वाले फीचर्स की बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले उसकी प्राइस है ग्यारह ,70 रुपए तो इस एक्सोरूम प्राइस पर आपको यह मिलेगा जिसमें आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स कुछ इंफोटेनमेंट के फीचर्स और बहुत सारे फंक्शनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं ये एक फीचर पैक वेरिएंट है जिसमें सारे ही फीचर लगभग जितने फीचर्स आपने अभी तक सुने हैं इंडिया वेन्यू के वो सारे के सारे इस वेरियंट में आपको मिल जाते हैं जिसमें सेफ्टी के फीचर्स एड होते हैं प्रोजेक्टर हैड प्रोजेक्टर फॉक लैम्प कॉर्निंग लैम्प्स रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑडोडिबिंग आई आर वी विद टेलीमेटिक्स टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इन्फरटेनमेंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ आता है वॉइस एगोनाइजेशन फीचर्स मिल जाता है इसके साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें आपको जो ऐप मिलती है उसकी हेल्प से आप इस कार को रिमोटली स्टार्ट भी कर सकते हैं फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिल जाता है क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक एसी, पावर फोल्डिंग ओर वी मिल जाते हैं कीलेस एंट्री बिट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वायरलेस फोन चार्जर यूएसबी चार्जर एयर प्योरिफायर फ्रंट मैप लैम्प सनरूफ मिल जाती है इस वेरिएंट में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं ओ आर पर एलईडी डीआरएस मिल जाती हैं एलईडी टेल लैम्प्स मिल जाते हैं लेदर एप्ट स्टेयरिंग व्हील और गियर नॉब मिल जाता है क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इसमें जो फीचर्स हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है वो सब आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं ये एक फीचर पैक वेरिएंट है में एक तो ये ह्यूडा वेन्यू के सारे के सारे पेट्रोल वेरियंट अब आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई भी चुन सकते हैं हमारी तरफ से सजेस्टेड वेरियंट जो की वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है वो है जो कि आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में भी और आईएमटी ट्रांसमिशन में भी मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए उसकी प्राइस शुरू होती है नौ लाख पिचासी हजार सात सौ रुपए से एक्शोरूम और आईएमटी ट्रांसमिशन के लिए प्राइस शुरू होती है नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ नब्बे दस लाख रुपए से इसके अलावा स्पोर्ट्स इस का ऑप्शन भी उसमें मिलता है जिसकी प्राइस शुरू होती है दस लाख सत्ताईस हजार साठ रुपए से इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक में कोई वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं और आप बजट पर हैं यानी तकरीबन दस लाख रुपए के आसपास आप कोई ऑटोमेटिक वेरियंट चाहते हैं जिसमें आपको लगभग सभी फीचर्स देखने को मिल जाए तो ह्यूडा वेन्यू का एस वेरियंट एक बजट फ्रेंडली वेरियंट होगा डीसीडी ट्रांसमिशन के साथ जो कि नौ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर है इसके अलावा अगर आप फीचर पैक कम्पलीटली फीचर पैक वेरिएंट चाहते हैं और आपका बजट अच्छा खासा है और आप हिंडा वेन्यू का ही कोई फीचर पैक वेरिएंट लेना चाहते हैं जिसमें सभी सेफ्टी के फीचर्स हो सभी इंफोटेनमेंट के फीचर्स हो और सारे ही फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हो और ऑटोमेटिक वेरिएंट हो तो आप इसका एस एक्स प्लस वेरियंट कंसिडर करें डीसी ट्रांसमिशन में एक्स रूम प्राइस ग्यारह लाख सैंतालीस हजार सात सौ रुपए पर अवेलेबल है तकरीबन साढ़े बारह लाख रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस की आपको पड़ जाएगी तो ये थे हिंडा वेन्यू के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स उम्मीद so, है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ओके का ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग